अंकित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आईआईटी एग्जाम में 72 रैंक लाया, और जी थैंक यू सर। अभी आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं। जी सर। तो अंकित जी, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका क्या मतलब जर्नी रहा है, किस तरीके, कहाँ से आपने स्कूलिंग की और फिर कैसे आप ग्रेजुएशन किए और अब आप आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं। सर मैं रेवाड़ी में रहता हूँ और यहाँ से ही मैंने स्कूलिंग की है, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और इसके बाद मैंने BHUUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वहाँ से मैंने BSc में एडमिशन लिया है और BSc स्टेट्स ऑनर्स मुझे अलॉट हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि MSc के लिए तैयारी करनी चाहिए। एक्चुअली मैं पहले श्योर नहीं था MSc के लिए करना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर जब BSc के लिए हमने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में तो कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे थे, तो लेकिन फिर 4 सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर जब ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हम अपनी क्लासमेट से मिले, तो वहाँ पे सब लोग IIT की तैयारी कर रहे थे और फिर मैंने भी सोचा कि चलो करते हैं। और इससे फिर MSc के बाद क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कर लेते हैं। और मैंने कई सीनियर्स से भी कांटेक्ट किया था तो फिर उन्होंने उनका भी यही कहना था, नहीं तो इनिशियली मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने चाह रहा था, तो लेकिन अब IIT हो गया तो काफ़ी अच्छा लगा है। दैट्स ग्रेट। तो आपने सुप्रीमम कब ज्वाइन किया था? एक्चुअली मैंने तैयारी अपनी 5th सेमेस्टर जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था तब की थी, और सेल्फ स्टडी ही मैंने कंप्लीटली किया है। उसके बाद फिर जो मॉक टेस्ट की जो ज़रूरत थी वो मैंने सुप्रीमम से ज्वाइन किया उसके लिए। उसके बाद दिसंबर में मैंने सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन किया, मैंने नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं PYQ लगाने लगा, PYQ लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि फिर स्कोर उससे ही बूस्ट होता है, तो फिर मैंने सुप्रीमम के लिए ज्वाइन। ओके तो आपका क्या शेड्यूल था एग्जाम के टाइम पे, मतलब स्टडी करने का, या फिर किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप किया? स्टार्टिंग में मैं उतना श्योर था नहीं कि MSc करना है, लेकिन और ऊपर से क्लासेस भी ऑनलाइन चलती थी तो क्लासेस का भी स्टार्टिंग का 4 सेमेस्टर हम लोग का ऑनलाइन चला, उसमें कुछ खास उतना समझ में आया नहीं था। तो फिर जब ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैंने मई जून से मैंने पढ़ना शुरू किया। हालांकि मैंने मैथ्स का जो पार्ट था वो मैंने ऑनलाइन के टाइम पे ही कवर कर लिया था थोड़ा बहुत NPTEL से लेक्चर्स वगैरह देख करके, बाकी जो स्टैट्स का पोर्शन है वो मैंने जुलाई में पढ़ना शुरू किया। और जो रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट था वो मैंने खुद से किया है, बुक से, SC गुप्ता, VK कपूर से। और जो इन्फ्रेंस का जो पार्ट है वो हम लोग का 5th सेमेस्टर में था तो 5th सेमेस्टर साथ ही चल रहा था तो साथ के साथ उसका होता गया। जो पार्ट नहीं समझ में आता था वो कैसेला बर्गर बुक उससे फॉलो किया मैंने। उसके बाद सिलेबस मैंने नवंबर तक कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा पार्ट रह गया था मैथ्स का, लेकिन फिर मैंने तभी PYQ लगाना स्टार्ट कर दिया और 2 बार मैंने PYQ कंप्लीट किया। उसके बाद दिसंबर के लास्ट में 2021 को फिर मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया सुप्रीमम क्लासेस का, और वहाँ से फिर मैं डेली मॉक टेस्ट देता था। क्लासेस के टाइम पे क्या है कि क्लासेस डेली 4 घंटे चलती थी, उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी को डेडिकेट करता था बाकी टाइम, क्लासेस को उतना प्रेशर था नहीं तो हो जाता। तो 5th सेमेस्टर में तो मैं कुछ पार्ट जो है अपना जैम के ही आता था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। ओके तो जो आपने मॉक टेस्ट जो ज्वाइन किया, तो वो जैम के रैंक के लिए कितना हेल्पफुल रहा? जी, मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा है क्योंकि मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में खुद से प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो क्या है कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें टेस्ट भी करना होता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट कितना सही है। तो उसके लिए एक बार PYQ तो लगा लेते हैं, लेकिन फिर मॉक टेस्ट ज़रूरी इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है लेकिन आपको रैंक चाहिए एक्चुअली में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो उसमें रैंक बूस्ट करने में जो है मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसका क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता था तो जैम के लेवल का रहता था तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। ओके तो जैसे कि आपने जब मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट के साथ डिस्कशन दिया जाता होगा, तो क्या डिस्कशन, जी जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सोचते हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट केवल मैं दे देता हूँ, डिस्कशन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो
उनके लिए आपको क्या, जी आपका क्या सजेशन रहेगा? जी डिस्कशन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि एक बार मॉक टेस्ट आप दे देंगे लेकिन उसमें आपको गलतियां पता चलेंगी, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो वो डिस्कशन आप कैसे भी कर सकते हैं। मेरे केस में क्या था कि हम लोग का एक स्टडी ग्रुप बन गया था, फ्रेंड सर्कल था 4 दोस्तों का, तो उसमें ही हम लोग, कुछ पार्ट मुझे नहीं आता था तो कुछ मेरे दोस्तों को आता है, कुछ उनको नहीं आता तो मुझे आता है, इस तरीके से हो गया था हम लोग का डिस्कशन। बाकी जिन लोगों का मान लो स्टडी ग्रुप नहीं है तो वो उनके लिए कोई ना कोई टीचर होना ज़रूरी है जिससे वो वन टू वन कॉन्टैक्ट में रह सकें ताकि वो डिस्कस कर सकें। तो वो सुप्रीम क्लासेस का मुझे लगा कि काफ़ी सही था, तो वहाँ पे डिस्कशन तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गलतियों को सुधारने का काम वहीं से होगा, तो डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो जो अभी 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा छोटा सा? जी जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उन्हें अपना सिलेबस जो है, अभी काफ़ी टाइम है जैम के लिए, मुझे लगता है 6 से 7 महीना काफ़ी होता है सिलेबस कंप्लीट करने और थोड़ी बहुत तैयारी के लिए। तो पहले उनको अपना सिलेबस थोरली अच्छे से एक एक चीज़ को समझ के कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद PYQ लगाना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी तैयारी किस लेवल पे है, और ज़रूरत पड़े तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट लगाना तो ज़रूरी है, क्योंकि फिर वही है जो आपके रैंकिंग को बूस्ट करने वाला है।